अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरीन कराची। आज हम आपके साथ 125 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट जो बहरिया में है उन प्लॉट्स के क्या क्या रेट्स हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम उनके क्या रेट्स हैं, उनके लिए आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इसमें मेरा साथ देंगे बिलाल खल साहब जो कि मेरे कोलीग हैं और 125 या ओवरऑल बहरी के माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं प्लॉटिंग के हवाले से। तो चलते हैं इस चीज़ के पूछते हैं कि इस वक्त 125 स्क्वायर यार्ड में जो ओवरऑल बहरिया के हैं उनके रेट्स क्या जा रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में या साल में 125 स्क्वायर यार्ड की आप क्या मार्केट देखते हैं, इस चीज़ के रिलेटेड आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की बात करें बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो इनकी लॉन्चिंग जो थी वो तकरीबन 17.5 लाख 17 लाख के ब्रैकेट में रहते हुए हुई थी। लेकिन इस टाइम पे अगर हम मिनिमम भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर 125 गज़ के हवाले से, तो वो हमें प्लॉट जो है जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो वो एरियाज़ जो सेफ एरियाज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें मिनिमम 24 से 25 लाख से लेके ऑनवर्ड मैक्सिमम जो है वो 70 लाख तक प्लॉट मिलता है यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ जो बहरिया टाउन में 125 गज़ के हवाले से सबसे हॉट प्रीसेंट 12 जो है उसके बारे में। ब्लॉक बिल्कुल अली ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं उनकी मिनिमम प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 58 लाख से लेके 70 लाख 75 लाख प्लस में चले जाते हैं। डिपेंड्स ऑन के हम किस लोकेशन पे जा रहे हैं, किसी कैटेगरी प्लॉट की तरफ जा रहे हैं या उसकी पेड नॉन पेड की कैटेगरी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक साल पीछे जाते हैं या 1.5 साल पीछे जाते हैं तो हमें 40 लाख में प्लॉट मिल जाता था। ये प्रीसेंट सबसे ज़्यादा हॉट रहा है, इसकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा रही हैं हमेशा से। सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन 125 गज़ के हवाले से प्रीसेंट 12 के अंदर हुई अली ब्लॉक में सबसे ज़्यादा, और अली ब्लॉक के अंदर इस टाइम के अंदर जो फैमिलीज हैं वो ऑलमोस्ट 70% मूव हो चुकी हैं, जिनके रेडी विलाज हो चुके हैं वो अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे मूव कर चुके हैं। और 125 गज़ का विला जो है वो अली ब्लॉक के अंदर मिनिमम आपको 1.40 करोड़ से लेके 1.70 करोड़ और 1.80 करोड़ के दरमियान में जो है वो मिलता है। वो डिपेंड करता है कि जिसने कंस्ट्रक्शन करवाई है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आई है, उसकी सारा लेआउट जो है, उन सारी जो कैलकुलेशंस हैं और प्लॉट की प्राइसेस क्योंकि हाई होने की वजह से इस टाइम पे विलास की प्राइसेस ऊपर गई हैं। यही विलास आज से 4 माह पहले हमें 1.20-1.25 करोड़ में ईजीली मिल जाते थे। इसी तरह से मैं बात करूँगा, आगे हम प्रीसेंट 27 पे आते हैं, एक हमारे सामने मिसाल है 5 से 6 माह के अंदर इस प्रीसेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है। यहाँ पर हमें प्लॉट जो था वो 25-30 लाख से लेके 40 लाख मैक्सिमम में बहुत अच्छा प्लॉट मेन जिना के पास का मिल जाता था। लेकिन जैसे ही इसके जो बहरिया होम्स हैं, बहरिया के विलाज हैं 235 गज़ के, उसके अंदर फैमिलीज मूव हुई, तो इस प्रीसेंट के सराउंडिंग में जो रेजिडेंशियल 125 गज़ के प्लॉट्स हैं उनके ऊपर लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। वो कंस्ट्रक्शन की तादाद जैसे जैसे बढ़ती गई इसकी प्राइसेस भी वैसे वैसे जो है वो हाई पकड़ती गई, और इस टाइम पे मेन जिना के पास जो प्लॉट्स हैं वो 60 से 65 लाख के दरमियान में, और मिनिमम यहाँ पे हमें प्लॉट जो है 35 लाख में मिलता है। लाइक जो 30 लाख या 32 लाख में हम एक अच्छा प्लॉट या थोड़ा सा जिना से या विला से थोड़ा सा बैक पे प्लॉट खरीद लेते थे वो यहाँ पे अब नहीं रहा। इसके साथ प्रीसेंट 28 की बात करेंगे जिसके अंदर अभी प्राइसेस थोड़ी सी कम हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीसेंट 27। प्रीसेंट 28 के अंदर मैं स्ट्रीट 56 के साथ बिल्कुल एक विला की साइट जो है वो चलना शुरू हो गई है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 विलास की डिगिंग जो है वो लास्ट वीक जब मेरा वहाँ पर चक्कर लगा तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि उनकी डिगिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। प्रीसेंट 28 के अंदर जो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे 28-30 लाख में हमें प्लॉट मिलता है, और इसी तरह से जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं जो हाइटेड और लेवल के प्लॉट्स हैं वहाँ पे 35 लाख से लेके 42 लाख 3 लाख के ब्रैकेट में हमें प्लॉट मिलता है। यानी कि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, अभी लोगों ने अपनी चीज़ें वहाँ पर अपने घर वगैरह जो हैं वो बनाने शुरू किए हैं। वहाँ पर अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसी तरह से अगर 125 गज़ के हवाले से मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर कोई
प्रीसेंट रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे, तो 26 से बहुत अच्छा प्रीसेंट है, उसमें मेन जिना के साथ वाले प्लॉट्स आपको 35 लाख से 37 लाख में मिल जाते हैं। तो यही प्लॉट्स अगर मैं कंपेयर करूं 27 के प्लॉट्स के साथ, के जिना के साथ वाले प्लॉट 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में जा रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर हम इसमें वेट करते हैं 6 से 8 माह, तो यही प्लॉट्स जो हैं इनकी वही प्राइसेस होंगी जो हमें प्रेसेंट 27 में या 28 के जो करीब के जिना के प्लॉट्स हैं उनमें देखने को मिलती है। प्रेसेंट 31 के 125 गज के जो प्लॉट्स हैं इसमें हमें 25 से लेके 35 लाख में अच्छा प्लॉट मिलता था, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे जो रेट्स हैं वो 45 लाख तक पहुँच चुके हैं। इसके रेट्स के इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि प्रेसेंट 31 के विलास साथ हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलास साथ हैं, दोनों विलास के अंदर फैमिलीज रह रही हैं, और प्रेसेंट 31 में अगर विला की बात करूं तो यहाँ पे हमें 1 करोड़ 40 से 50 लाख में विला मिल जाता था, लेकिन आज उन्हीं विलास की प्राइसेस 1 करोड़ 70 से लेके 1.85 तक हो चुकी हैं। और क्योंकि फैमिलीज मूव हुई हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन या लोगों का रुझान किसी प्रेसेंट की तरफ होता है रहाइश के हवाले से, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि अब 250 गज, 500 गज, 125 गज या किसी भी साइज़ के प्लॉट्स की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो अगर वो प्रेसेंट जहाँ पे अभी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, लोगों ने घर बनाना शुरू किए हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप वहाँ पे प्लॉट परचेज करें, क्योंकि 5 से 6 माह के अंदर वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो 5 से 10 लाख इजीली ऊपर चली जाती हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही इस प्रेसेंट के अंदर कोई साइट स्टार्ट होती है तो हम भी अपना घर बनाना शुरू करते हैं, ताकि थोड़ी आबादी हो, कुछ चहल पहल हो, तो तब ही हम वहाँ पे अपनी फैमिली को मूव करें। तो ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल बैरिया के अलावा भी अगर हम बाकी सोसाइटीज़ में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है। प्रेसेंट 23, 24, 25 इनको लो बजट प्रेसेंट्स माना जाता था, लेकिन यहाँ पे भी इस टाइम पे हमें जो अच्छा प्लॉट है वो 30 से 32 लाख के ब्रैकेट में मिलता है। जो थोड़ी सी ऑड लोकेशन का आता है वो हमें 26, 28 लाख में मिलता है। जो हमें ज़्यादा वेट के वाला प्लॉट है वो 24 से 25 लाख में मिल जाता है। हमारे अक्सर व्यूअर्स ये कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन हमें उसका वो रिटर्न बैक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो मैं देखने वालों को ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मार्केट खुली पड़ी है, आप किसी एक कंसल्टेंट से नहीं, 5 से 6 लोगों से आप रब्ता करें, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर करें, रेट्स लें, कंपेरिज़न करें। ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि कौन सी लोकेशंस किस प्रेसेंट की बेहतर हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्ट्रीट के अंदर क्या रेट चल रहा है। इवन आप हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल पे जाते हैं तो आपको हर प्रेसेंट का स्ट्रीट टूर मिलेगा, उसमें हर स्ट्रीट का रेट जो है उसका करंट स्टेटस क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स क्या हैं और कितने घर बन चुके हैं, हर चीज़ आपको जो है वो ऑन ग्राउंड दिखा दी जाएगी। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाह रहे हैं तो पहले आप उसका एनालिसिस करें और अपना एक रिज़ल्ट निकालने के बाद जो है अपनी चीज़ को फाइनलाइज़ करें। अब जब आप एक अच्छे कंसल्टेंट से कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपको अच्छी लोकेशन जो है वो रिकमेंड करेगा, ताकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो अच्छी लोकेशन का अगर आप प्लॉट बाय करते हैं तो तब भी आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न बैक मिलता है। अगर आप बैड लोकेशन पे चले जाते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको वेट भी ज़्यादा करना पड़ता है, वो साल दो साल, जबकि आपने टाइम फ्रेम 6 माह का रखा होता है, तो अगर आप 6 माह के अंदर सेल करते हैं तो आपको वही उसी ब्रैकेट में जिसमें परचेजिंग की होती है उसी में सेल करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छी लोकेशन पर जाएंगे तो कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बैरिया टाउन के अगर हम फ्यूचर देखें इस टाइम पे, जिस तरह से लोग मूव हो रहे हैं या जो प्लॉट्स की सूरत हाल है, अगले 3 से 4 साल के दरमियान में यहाँ पे 125 गज का मिनिमम प्लॉट जो है वो किसी भी प्रेसेंट में चले जाएं आपको 50 से 60 लाख का मिलेगा, और अच्छी लोकेशंस वाले प्लॉट जो हैं वो 90 लाख या 1 करोड़ की ब्रैकेट को टच करेंगे। और रहेगी बहरिया की मार्केट की अगर हम बात करें, तो पिछले दिनों लॉकडाउन रहा, मुहर्रम की छुट्टियां रहीं, 14 अगस्त का इवेंट था तब भी पूरा वीक मार्केट बंद रही, या पिछले दिनों का जो इंसिडेंट था गेट वाला, एक स्ट्राइक हुई, इन सारी चीज़ों से बहरिया की मार्केट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मार्केट ना तो स्लो हुई थी, ये ज़रूर हुआ था कि लोगों का थोड़ा सा आना जाना जो था वो लिमिटेड हुआ था, रुझान कम हुआ था, और जिसकी वजह से
जो था मार्केट में जो रेट चल रहे थे, अगर एक चीज़ 30 लाख की थी तो वो 30 लाख की ही रही थी, ना कि माइनस में चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केट लॉकडाउन मुहर्रम की छुट्टियों के बाद दोबारा खुल चुकी है, रेट्स बिल्कुल स्टेबल हैं। बल्कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हम उन्हें खुद कॉल्स करके उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में गाइड कर रहे हैं कि इनके रेट्स अभी करंटली ये हैं और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर हो सकते हैं। किसी भी ऐसे एजेंट जो आपको आपकी प्रॉपर्टी के बारे में ये गाइड करे कि इसको बेच दें, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मार्केट को ये हो गया, तो आप वेट करें, किसी अपने कंसल्टेंट को चेंज करके देखें, किसी और कंसल्टेंट से अपनी चीज़ को जो है वो डिस्कस करें और उसके बाद जो है अपनी प्रॉपर्टी बाय करें। बिलाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया 125 स्क्वायर यार्ड के ऑल प्रीसेंट्स को, कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, उनके करंट रेट्स भी, ओल्ड रेट्स भी, आपने हर चीज़ को एक कंपैरिजन वे में लेके चले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक अच्छा कंपैरिजन हो गया है, क्लाइंट्स को ये सबसे ये बेहतर मिल गया है कि लो बजट प्लॉट इस वक्त कहाँ पे मिल सकता है और हाईएस्ट प्राइस इस वक्त कहाँ पे है। तो इसके अलावा एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि क्लाइंट इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे लॉन्ग टर्म के हवाले से या शॉर्ट टर्म के हवाले से, आप लॉन्ग टर्म के हवाले से कौन से प्रीसेंट कहेंगे? अगर लॉन्ग टर्म के हवाले से करें इन्वेस्टमेंट तो किन प्रीसेंट में उनको आप प्रेफरेंस कर देंगे कि किस प्रीसेंट में जाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से? जी, इसमें अगर हम प्रीसेंट 23, 24, 25 में जाते हैं 125 गज़ के हवाले से, तो वहाँ के वहाँ भी रेट्स कम है, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने जो अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करनी है वो साल सवा साल के टाइम के बाद करेंगे। तो अगर हम इस टेन्योर के दरमियान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कोई 24-25 लाख से लेके 30-32 लाख के दरमियान में, तो उसमें प्रीसेंट 23, 24, 25, ठीक है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। 26 सी के अंदर भी सस्ते प्लॉट्स हैं, आपको 18 लाख का भी प्लॉट मिलेगा, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नहीं होगा, वो आपको ये श्योरिटी नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी कि ये आपका प्लॉट सेफ है या नॉट सेफ है। ये कल को बहरी आप उसको आउट ऑफ बाउंड्री कर देता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो जाएगी, जैसे ऑलरेडी बहुत से डिस्प्यूटेड लैंड के हवाले से केसेस मौजूद हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो प्रेसेंट 27, प्रेसेंट 28, 26 से प्रेसेंट 10 भी, 11 भी और प्रेसेंट 31, ये वो प्रेसेंट्स हैं जिनके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर हम उससे एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना थी, इस वक्त 15A और 15B जो है, ये 15A मेरे ख्याल से 4 या 5 गलियाँ इसकी ऑन ग्राउंड हैं या एक दो रोड्स इसके ऑन ग्राउंड हैं, और 15B के भी ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से 2 या 4 गलियाँ बैक साइड वाली कुछ ऑन ग्राउंड है, बिल्कुल, बाकी सारा भी ऑफ ग्राउंड है और नॉन डेवलप एरिया है, बिल्कुल। लेकिन इनके रेट्स मिनिमम भी 34 लाख से लेके 30 लाख से लेके और मैक्सिमम 48 लाख तक चले गए हैं, इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे बाइंग बनती है, बाइंग करनी चाहिए या क्या करें, इसका वेट करें क्लाइंट्स? इसमें इस तरह से है कि इसके बिल्कुल साथ जो प्रीसेंट 14 और 15 हैं, इनके अंदर जो रेट्स हैं वो मिनिमम प्रीसेंट 14 के अंदर जो प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन आपको 50 लाख से लेके 65 लाख के दरमियान में मिलेगा। छोटा प्रीसेंट है और बहुत अच्छा प्रीसेंट है, इसके अंदर 80% इस टाइम पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है। प्रीसेंट 15 के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छा प्रीसेंट है, जिना के पास का प्रीसेंट है, इसकी इसकी सराउंडिंग बहुत बेहतरीन है और इसके अंदर भी आपको मिनिमम प्लॉट जो है वो 45-48 लाख से लेके 65 लाख तक मिलता है। तो 15A और 15B बिल्कुल इन दोनों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे पहले भी रेट्स अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। अगर हम इसको भी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करूँगा कि इस टाइम पे बेस्ट टाइम है कि हम 15A या 15B के अंदर प्लॉट परचेज करें एज अ इन्वेस्टमेंट, या अगर हमने 2 से 2.5 साल के बाद या 1.5 साल के बाद अपना घर बनाना है वहाँ पर, तो फिर भी ये प्रीसेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हो गए। चलिए, ये तो उन प्रीसेंट्स का हो गया। अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँ कि इस वक्त लोगों की थिंकिंग है कि अली ब्लॉक के हवाले से, बेशक अली ब्लॉक बहुत ज़्यादा हॉट केक भी है और कॉस्टली भी है, मिनिमम भी जो है तकरीबन 58-60 लाख से 60 से लेकर तकरीबन 70-80 लाख तक रेट चले गए, लेकिन फिर भी कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी थिंकिंग है कि अली ब्लॉक में बाइंग करें, तो इसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? आया कि उनको रहने के हवाले से, बेशक लॉन्ग टर्म ही हो जाए या रहने के हवाले से, उनको अली ब्लॉक में बाइंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए, मैंने एक चीज़ एंड पे मेंशन की थी कि बहरिया के अंदर मिनिमम जो प्लॉट है वो 50-60 लाख का मिला करेगा, वो किसी भी हम प्रीसेंट पे या लोकेशन पे चले जाएँ। तो जैसा कि एक प्रीसेंट 27 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे रेट्स अगर वो गए थे जो अली ब्लॉक के एक साल पहले यही रेट्स थे जो इस टाइम पर आपके रेट्स हैं प्रीसेंट 27 के, तो जैसे कि 27 के वो रेट्स हुए हैं तो उसमें 5-10 लाख का बूम अली ब्लॉक के प्लॉट्स में भी आया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा
कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ नहीं आएंगे, यहाँ पे एंड यूज़र आएगा, आपका प्लॉट जो परचेज़ करेगा वो एंड यूज़र परचेज़ करेगा। और जबकि हम बाकी प्रीसेंट्स में जब मूव करेंगे, लाइक 30 लाख की चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उस पर होल्ड करते हैं, वो 50 लाख की हो जाती है, तो एक ज़्यादा बड़ी ब्रैकेट जो है वो आ जाती है हमें रिटर्न के हवाले से। चले बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने एक बहुत अच्छी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से। तो इस चीज़ के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर +92 320 20 28 166 नीचे, इसके अलावा भी हमारे नंबर मेंशन है, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे इस नंबर पर भी कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे, हमारे PPL चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, हमसे भी कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।